दोस्तों, बालों का रूखा होना, बेजान होना या फिर बालों का दुमुआ होना एक बहुत ही ज़्यादा आम समस्या है और स्पेशली ये उन हिस्सों में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब कि पानी के अंदर जो TDS है, जिसे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कहा जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा होता है तो पानी के अंदर हार्डनेस बढ़ती है और ये हार्ड वाटर बालों को बहुत ज़्यादा बेजान कर देता है। एक और कारण होता है वो ये कि हम बहुत सारे केमिकल्स अपने बालों में लगा लेते हैं। बहुत बार हम कलर कर लेते हैं, पर्मिंग करा लेते हैं, स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं, स्मूथनिंग करा लेते हैं या फिर बहुत अलग अलग तरह के हेयर केयर कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा होने के बाद हम बहुत कुछ ट्राई कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे बालों के अंदर जो चमक पहले हुआ करती थी वो अब हमें नहीं मिलती है और फिर वापस से एक सिलसिला स्टार्ट होता है जहाँ पर हम एक और प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम केमिकल ट्रीटमेंट्स कराना शुरू कर देते हैं। हम कैरेटिन कराने लगते हैं, हम रिबॉन्डिंग करा लेते हैं, हम स्मूथनिंग करा लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बाल ठीक हो रहे हैं, जबकि ऐसा होता है कि उस पहले वाले केमिकल के साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये दूसरा केमिकल करा रहे हैं जो कुछ महीनों के लिए तो बहुत अच्छे कर देगा हमारे बालों को, लेकिन जैसे जैसे इसका असर भी ख़त्म होगा बालों की हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक DIY हेयर मास्क के बारे में। इस मास्क को आप घर में बनाओगे और घर में बनाने के बाद आप जब इसका इस्तेमाल करोगे ना, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये DIY मास्क जो है वो आपके बालों को वो सभी के सभी पोषक तत्व देगा जिनकी एक्चुअली आपके बाल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हर एक इंग्रेडिएंट को समझें और उसकी जब इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपके बालों के लिए क्या करने वाला है। परिवार को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूं तो बाज़ार में मिलने वाले बहुत सारे कंडीशनर्स हैं जो बहुत अलग अलग दावे करते हैं। कुछ कंडीशनर्स कहते हैं कि आप इन्हें लगा के रख सकते हैं, कुछ कंडीशनर्स कहते हैं कि ये दो ही वॉश में आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की बना देंगे और कुछ कंडीशनर्स कहते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ एक बार हमें लगा लीजिए, हम आपके बालों की साज संभाल कर लेंगे। बट हमें भी पता है कि जितने भी कंडीशनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो चाहे क्लेम कुछ भी करें बट रिजल्ट्स हमारे सामने ही होता है। तो यहाँ पर प्रकृति की शरण में जाना लाजमी है और प्रकृति की शरण में जब जाते हैं तो रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। इस DIY हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है फ्लैक्स सीड्स, मतलब कि अलसी के बीज। अलसी के बीजों के अंदर होता है बहुत सारा ओमेगा 3 और बालों की क्यूटिकल के ऊपर एक कोटिंग देने के लिए एक कंपोनेंट होता है जिसको लाइकोलेस कहा जाता है। ये जो लाइकोलेस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है फ्लैक्स सीड्स के अंदर, जिसकी वजह से आप कुछ ही बार इसका इस्तेमाल करने पर देखोगे कि आपके बालों के अंदर चमक आ रही है, आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो रहे हैं और सॉफ्ट होते जा रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर लेना है लगभग आधा लीटर दूध। आधा लीटर दूध हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड के साथ जब ये लाइकोलेस मिल जाता है तो एक अच्छा कंडीशनर बन जाता है, एक अच्छा हेयर मास्क बन जाता है। लगभग आधा लीटर दूध के अंदर आपको यहाँ पर 50 ग्राम के आसपास में फ्लैक्स सीड्स मिला देने हैं। 50 ग्राम का मतलब होता है लगभग 7 से 8 चम्मच। अच्छे से आप इसे उबालिए और तब तक उबालिए जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता है। जब ये आधा रह जाए तो अब आप इसे छान लीजिए। छानने के बाद में आप इसे लगभग आधे से एक घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा आपका जो ये दूध है जो छानने पर बहुत पतला दिख रहा था, अब ये गाढ़ा होने लगेगा क्योंकि फ्लैक्स सीड्स के अंदर जितना भी जेली फॉर्म था वो सबका सब इस दूध के अंदर मिल गया है। अब ये जो जेल है ये आपका बेस बनकर के तैयार हो गया है हेयर मास्क का। इसके अंदर आपको 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन और मिलाना है। पहली जो चीज़ आपको इस दूध से बने हुए फ्लैक्स सीड के जेल के अंदर मिलानी है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल के फूलों के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स और ये एंजाइम्स हमारे बालों को बहुत ज़्यादा चमक देते हैं, हेयर फॉल रोकते हैं, अगर बालों में डैंड्रफ है तो उसे भी ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं। तो लगभग 4 चम्मच मतलब 15 से 20 ग्राम के आसपास हम यहाँ पर ये जो हिबिस्कस फ्लावर पाउडर है ये ऐड कर देंगे।
नंबर दो जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है ऑलिव ऑयल। तो लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल मिक्स करेंगे। ऑलिव ऑयल जो है इसके अंदर नेचुरली स्किन को और बालों को कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज देने की कुछ गुण होते हैं, जिसकी वजह से ये बालों और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नंबर तीन जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है लगभग 1/2 से 1 चम्मच के आसपास दाना मेथी का पाउडर। दाना मेथी जो है उसके अंदर भी बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बाल को पॉलिशिंग इफेक्ट देने के लिए और बाल के अंदर जितने भी हम गुण देना चाहते हैं या प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं वो सब कुछ देने के लिए। नंबर चार और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है कोई भी अरोमा ऑयल। अरोमा ऑयल जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की लगभग 25 से 30 ड्रॉप्स इस लिक्विड के अंदर मिक्स करनी चाहिए, तभी जा करके ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसे स्किप करना है, तो आप स्किप कर सकते हैं, बट फिर भी मेरा रिकमेंडेशन होगा कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके रिजल्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन सारी चीजों को मिलाने के बाद में आप एक ग्राइंडर में डाल करके आप इसे ग्राइंड कर लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए और एक होमोजीनियस आपका एक पेस्ट बनकर के तैयार हो जाएगा, एक साथ दिखाई देने वाला एक पेस्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को ही हमने यहां पर DIY हेयर मास्क बोला है। इसे आप हफ्ते में एक बार अपने बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक लगाइए और 1/2 से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1/2 से 1 घंटे के दौरान अगर आप चाहते हो तो आप अपने बालों को स्टीम दे सकते हो। स्टीम देने के लिए आप हॉट टॉवल स्टीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो, मतलब एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी को गर्म कीजिए, एक मोटा टॉवल डालिए, अच्छे से डुबोइए, निचोड़िए और उससे बालों को कवर कर लीजिए। या फिर आप आजकल थर्मल स्टीम कैप्स आने लगे हैं जिसका फोटो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेक श्योर स्टीम देने के बाद में आप अपने बालों को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और उसके बाद प्लेन पानी से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। अगले दिन आपको शैम्पू करना है, लेकिन जब भी आप शैम्पू करते हो ये ध्यान रखना है कि आपको एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना है जिसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा ना हो और आपके बाल को किसी भी तरीके से वो डैमेज ना पहुँचाएँ। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। ये शैम्पू इतना ज़्यादा सेफ है कि आप 2 दिन के बच्चे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके बालों को सिर्फ फायदे देगा, आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करेगा और आपका हेयर फॉल और डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम है उसे भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। मेक श्योर इसे ट्राई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जरूर क्लिक करें और जाकर के देखें कि ये आपके लिए क्या कुछ बेनिफिट्स दे सकता है। दोस्तों इस DIY हेयर मास्क को आपको हफ्ते में एक बार ट्राई करना है। 15 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस DIY को ट्राई कर सकता है। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उससे आपको क्या कुछ फायदे हो रहे हैं। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।